सुपेला संडे मार्केट एक बार फिर से बदहाल हो चुका है। सुपेला चौक से गदा चौक तक मार्केट की मुख्य सड़क रविवार को लुप्त हो जाती है। दोनों ओर की सड़क में ठेले वालों का कब्जा होने के साथ वाहन पार्किंग बन जाता है। इस बदहाल स्थिति से आवाजाही करते लोगों को राहत देने नगर निगम द्वारा कुछ माह पूर्व अवैध कब्जेधारियों के खिलाफ व्यापक रूप से अभियान चलाया गया था, साथ ही मॉनिटरिंग करने बातें कही गई थी। मॉनिटरिंग नहीं किए जाने से बदहाल स्थिति बनी हुई है। रविवार को अनेकों छोटे बड़े दुकानदारों का सड़क पर कब्जा रहता है। निगम अधिकारियों की आवाजाही भी बनी रहती है, लेकिन स्थिति देखकर भी नजरअंदाज किया जाता रहा है। पहला संडे मार्केट अब अपनी पूर्व की स्थिति में आप आ चुका है। आप देख सकते हैं आज रविवार का दिन है, पहला संडे मार्केट लगा हुआ है। यहाँ पर ना खरीदारी करने आए वाहन चालकों द्वारा अपने वाहनों को पार्किंग एरिया में पार्क किया जा रहा है, और ना ही जो सामान विक्रेता उनके द्वारा किस तरह से व्यवस्था की जा रही है। आप देख सकते हैं पूरी अव्यवस्थित रूप से मुख्य मार्ग पर वाहन पार्किंग बना दी गई, पूरी सड़क में सुपेला चौक से यही स्थिति बनी है। फल ठेला वालों द्वारा और अन्य ठेला संचालकों द्वारा पूरे ठेले सड़क के दोनों ओर खड़े किए हैं, कर दिए गए, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित है। यदि इस दौरान यदि कोई इमरजेंसी वाहन अथवा एम्बुलेंस इस मार्ग से पार करने की कोशिश करता, मार्ग से गुजरता है, तो उसका गुजरना इस मार्ग से असंभव, इसकी वजह से किसी मरीज की जान भी जा सकती है। लेकिन इस अव्यवस्था को देखते हुए नगर निगम प्रशासन द्वारा मात्र पूर्व में खाना पूर्ति की गई थी। कुछ दिनों पूर्व संडे मार्केट में निगम द्वारा अभियान चलाकर अवैध कब्जों को हटाया गया था, साथ ही अवैध रूप से जो ठेला खड़ा कर उन्हें समझाइश दी गई थी। दोबारा सड़कों पर ठेला खड़ा किए जाने पर जब्ती की कार्रवाई की जाएगी, चलाने की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। निगम की जो कार्रवाई है पूरी तरह से खाना पूर्ति साथी चूल्हे ठेला वालों का पूरी तरह से सड़क पर सुपेला चौक से लेकर गदा चौक तक ठेला वालों का ही कब्जा है। अवैध रूप से पार्किंग बन चुकी, पार्किंग के लिए भी निगम प्रशासन द्वारा जगह तय की गई थी, लेकिन कहीं पार्किंग की कोई व्यवस्था नजर नहीं आती। छोटे बड़े सभी प्रकार के वाहन सड़कों के मार्ग में पार्क हैं। इस अव्यवस्था की स्थिति को बचाने नगर निगम प्रशासन को एक बार फिर से पहल किए जाने की जरूरत है। हालांकि नगर निगम अधिकारियों द्वारा ये कहा गया था कि इस संडे मार्केट की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी, लेकिन मॉनिटरिंग किस तरह से की जा रही है आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। व्यवस्था को सुधार करने नगर निगम प्रशासन को एक बार संडे मार्केट में अभियान चलाए जाने की जरूरत है, ना साथ ही दोबारा इस तरह की अव्यवस्था की स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए जुर्माने जैसी कार्रवाई भी किए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन अभिषेक के साथ संजय दुबे।